गाइज, आज हमारे पास सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G मोबाइल फ़ोन है और इस फ़ोन को यूज़ करते करते मुझे लगभग 2 महीने का टाइम हो चुका है। और आज के वीडियो में हम इस फ़ोन का पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि 2 महीने के अंदर इस फ़ोन ने हमारे कैसा वर्क किया और आपको ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी M34 है वो मेरा फ़ोन 8 GB रैम 128 GB रोम वाला वेरिएंट है। तो ये फ़ोन आपको लगभग 18,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप देखिए 6 GB रैम 128 GB वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको लगभग 16 या 17,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रेंड, देखिए अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में बहुत ही कमाल की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की है। एंड इसी के साथ साथ इस डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। मतलब आपका फ़ोन अगर गिर जाएगा तो टूटेगा नहीं जल्दी, काफ़ी अच्छे से वर्क करता रहेगा। और आप अगर कंटेंट देखते हो तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप इसके डिस्प्ले के साथ में कर सकते हो। अगर गेमिंग करते हो तो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, काफ़ी स्मूथली आपके सारे टास्क क्लियर होते रहेंगे। एंड दोस्तों, अगर इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इस फ़ोन में सैमसंग का ही एक्सनोएस 1280 प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि एक 5G प्रोसेसर होने के साथ साथ 2.4 GHz पे वर्क करता है। एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। इस प्राइस रेट पे आपको 2.4 GHz के प्रोसेसर कम ही देखने को मिलते हैं जो कि लगभग 17-18 हज़ार रुपये का फ़ोन है। एंड काफ़ी अच्छे से आपके सारे काम होते रहेंगे, जैसे कि डेली बेस पे आप सोशल मीडिया और उसके साथ साथ हल्की फुल्की गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, तो सारा कुछ आपका बहुत ईजिली आसानी से इस प्रोसेसर से होता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एंड फ्रेंड, देखिए अगर इस फ़ोन के मेन चीज़ के ऊपर जाए, इसका कैमरा, तो इस फ़ोन में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसमें बैक में आपको 50 MP का एक OIS कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ 2 MP का आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है। एंड इस फ़ोन में आपको इमेज स्टेबलाइजर भी मिलता है जो कि आपका फ़ोन अगर फ़ोटो खींचता है तो काफ़ी स्टेबल फ़ोटोज़ भी आते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर देखिए इसके फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो इस फ़ोन में आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो इस फ़ोन का कैमरा वाकई बहुत ज़्यादा लाजवाब है। मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर दिए हैं एंड इन फ़ोटोज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा वर्क करता है। बाकी देखिए, अगर देखिए आप ब्लॉगिंग करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो यूट्यूब पे डालने के लिए, तो इस फ़ोन से आप बहुत ही अच्छे कमाल के कंटेंट भी बना सकते हो क्योंकि इस फ़ोन में आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट बैक कैमरे में देखने को मिलता है। फ़ोन जितना ही बढ़िया है उतनी ही बढ़िया इस फ़ोन की बैटरी है। तो इस फ़ोन में आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा देखने को, और आपको 25 वॉट का एक अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा जो कि आपको लगभग 1200-1300 रुपये का मिल जाएगा। एंड 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो कि काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कहूँगा एंड बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं कहूँगा, अच्छा खासा आपका 1.5 से 2 घंटे में फ़ोन चार्ज हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इस फ़ोन में आपको कुछ अलग से भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सैमसंग की खुद की एक सिक्योरिटी है जिसे हम बोलते हैं नॉक्स सिक्योरिटी, एंड फ़ोन को सिक्योर रखने में मदद करती है। तो आपको इस फ़ोन में नॉक्स सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि आमतौर पर सभी फ़ोनों में नहीं मिलती है। एंड इस प्राइस रेट पर खास करके ये सारी चीज़ें आप भूल ही जाओ, कोई भी फ़ोन दे पाएगा। एंड उसी के साथ साथ 4 साल का आपको इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है। उसी के साथ साथ 4K 30 FPS सपोर्ट करता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस फ़ोन के साथ में मिल जाते हैं। कि इस फ़ोन का जो बैक पैनल है, फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस पर लैमिनेशन उसके साथ साथ में कवर ज़रूर लगाइएगा क्योंकि फिंगरप्रिंट स्क्रैचेस बहुत आराम से आ जाएंगे। बाकी फ़ोन का ओवरऑल लुक जो कि नॉर्मली सैमसंग के होते हैं वैसा लुक है, पंच होल डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट देखते टाइम आपको लगने वाला है। उसके साथ साथ काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मैं इस फ़ोन का कहूँगा। तो फ़ोन ओवरऑल मेरा काफ़ी अच्छा वर्क किया, 2 महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। बस इसका जो पीछे का लेंस है
वो ज़रूर से टूट गया है क्योंकि घर पे बच्चा है, उसने तोड़ दिया, उस चीज़ को तोड़ दिया, तो लेंस अलग से लगवा सकते हैं। बाकी इस फ़ोन में कोई भी मेजर इश्यू अभी तक नहीं आया है, फ़ोन अच्छा खासा यूज़ कर रहा हूँ, 2 महीने का टाइम हो चुका है यूज़ करते करते, अभी तक मुझे कोई भी समस्या इस फ़ोन में नहीं आई है। बाकी देखिए 17,000 रुपये में आपको 4K का सपोर्ट मिलता है, जो कि एक मेजर फैक्ट है इस फ़ोन का। बाकी फ़ोन ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया, और आप लोगों में से कौन कौन लेने वाला है या फिर कौन कौन ले चुका है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। बाकी आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।